नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं जितेंद्र चौधरी एबीपीएस न्यूज के खास कार्यक्रम भारत के किसान में आपका स्वागत करता हूं। भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष से अधिक बीत चुका है। इन 70 वर्षों में भारत में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। इन पार्टियों ने, इन सरकारों ने भारत के किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने की बड़ी बड़ी बातें तो की हैं, पर उनके आर्थिक हालातों में कितना सुधार हो पाया है, नहीं हो पाया है, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ये बताने का काम करेंगे, इसकी जानकारी देने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत के किसानों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में सीधा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा ये विषय है, इस विषय में हमारे साथ में हैं श्री सुशील साय जी। श्री सुशील साय जी को वर्ष 2005 में लघु और सीमांत किसानों के सहयोग के लिए और एक प्रजाति जो मैंथोल में शिवालय प्रजाति है उसके प्रचार प्रसार के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनको भारत का सर्वोच्च जो पदक है उस पदक से इनको नवाजा गया। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पदक से इनको नवाजा है। आज हमारे बीच में श्री सुशील साय जी मौजूद हैं। हम एबीपीएस परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि भारत के किसानों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को किस तरह से इनको आप इनका समाधान कर सकते हैं, किस तरह से आप भारत की सरकार और जो प्रदेश की सरकारें हैं उन सरकारों को अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह से सुधार करके इन किसानों की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं पर सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि कितने वर्षों से आप जो लघु और सीमांत किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनके बीच जाकर आप उनको जागृति प्रदान करने का काम कर रहे हैं, ये कितने वर्ष आपको ये इस काम में हो गए? 1967 से आप लगातार भारत के जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी खेती कैसे की जाए, जी जी, आय कैसे बढ़ाई जाए, जी 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 जी। अच्छा, इसके साथ में आप बताइएगा कि आपको जो भारत का सर्वोच्च पदक है पद्मश्री, इस पद्मश्री पदक से आपको नवाजा गया, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को पूरा जानकारी दीजिए कि क्या कारण रहे कि आपको भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पदक से आपको नवाजा। मुझको एक तो मेंथा की खेती है जो किसान करते नहीं थे पहले, तो उनको करने के लिए बताया गया और एक शिवालिक प्रजाति की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई, उसमें अधिक तेल निकलता था और उससे उनकी आय बढ़ी। ऐसे सीज़न में जबकि फरवरी में लगाई जाती है और सितंबर तक उसमें 3 कटिंग होते हैं, तेल निकलता है, तो उससे एक उनमें जागृति आई, बे टाइम पे उनको पैसा मिलने लगा और उससे फ़ायदा हुआ और उन कृषकों के बीच में जाके मिक्स्ड क्रॉपिंग, गन्ने में लाई बोई, गन्ने में चना लगाया अक्टूबर में, और इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ों में किया। जैसे ये यहाँ लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी की खेती करी थी, स्ट्रॉबेरी की अब गर्मियों में खेती ख़त्म हो गई तो इसके बीच में ही हमने मक्का लगा दी किनारे पे। अब ये मक्का भी 60 दिन में भुट्टा आ जाएगा इस पर, तो आमदनी हो गई। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और ऐसी क्रॉप जो थोड़े समय में अधिक पैसा दे जाए जिससे कि उसकी आय सुधरे, इस काम में मैं लगा हुआ रहता हूँ। उसमें कामयाबी भी मिल जाती है और न लगे रहते हैं उसमें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70 वर्षों से अधिक भारत को आज़ाद हुए हो गए, फिर क्या कारण है कि जो भारत के किसान हैं उनकी आर्थिक जो दशा है, जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, किसान मजबूर है आत्महत्या करने पर, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं?
इसमें देखिए कई चीज़ें हैं। एक तो किसान जो कर रहा है उसमें हमारी सरकारों ने ये नहीं देखा कि वो अच्छी खेती कर पाए। अच्छी खेती करने के लिए वैज्ञानिक का होना आवश्यक है, तो कृषि वैज्ञानिक हमारे फील्ड में जा ही नहीं पाए। किसानों ने, वो सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी कि कृषि वैज्ञानिक जाएं खेतों में, वो रहें किसान के साथ और उनको बताएं कि ऐसे करो, तुम्हारी आर्थिक समस्या ऐसी है तो ये वाली फसल बो, ये 60 दिन में ही पैसा दे जाएगी, फिर ये वाली बोएंगे, उनकी जो बिक्री है बिक्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए एग्रीकल्चर, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपने दफ्तरों में बैठ के हज़ारों करोड़ रुपए का वितरण की स्कीमें बना लेती है हर पॉलिटिकल पार्टी, मगर जो होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियाँ हैं तमाम खुल गई हैं, उनके वाइस चांसलरों को बुलाए, ये करें, उनसे कहें कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप फील्ड में जाइए और किसान की उन्नति करिए, वो नहीं करता कोई भी। तो जब आप बेसिक चीज़ ही नहीं करते, आता ही नहीं, तो कैसे होगा? तो ये एक समस्या है। सब अपने पार्टी के हित में पड़ जाते हैं और किसान क्या अन्नदाता है और ये है वो है, और उसको किसान इज्जत चाहता है। पैसा तो बात की बात है, लाल बहादुर शास्त्री ने इज्जत दी थी, जय जवान जय किसान, तो इज्जत चाहिए। उस वक्त कलेक्टर भी बात करता था किसान से, अब नहीं है। अब तो किसान मामूली चीज़ खड़ा है, चपरासी ने रोक दिया, अभी बैठे रहो, जब टाइम मिलेगा साहब बात करेंगे। आया उन्होंने कहा आप तहसीलदार के पास चले जाइए, SDM के पास चले जाइए, इस टाइप की बातें, उसकी बात समझना नहीं चाहते। उसको आता नहीं कि मैं करूँ क्या, तो करने में तो वैज्ञानिक बताएंगे ना जो हमारे हैं, तो वो तो खाली घूम रहे हैं, वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो बेचारे जाए कैसे? उनको लगाएगा, उनको बताएगा, उनकी इज्जत करेंगे वैज्ञानिकों की, भाई आप वैज्ञानिक हो कृषि के, आप दोनों का संयोग होगा तब कृषि की का सुधार होगा। वैज्ञानिक और कृषक, कृषक फीडबैक करेगा कि ये मैंने ऐसा किया, इसमें ये बीमारी आई, ये कमी आई, तो वो देखेगा, फिर वो अपने अध्ययन करेगा, लैब में टेस्ट करेगा और आएगा फील्ड में बताएगा ये करो। तो ये एक बड़ी भारी कमी, बेसिक कमी है जो चली आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन को जो जानकारी किसानों को प्रदान करनी चाहिए, नई नई प्रजातियों की जानकारी देनी चाहिए, कौन से समय में कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, इसकी जानकारी चाहिए, वो जानकारी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के द्वारा पूर्व में नहीं दी जाती है। सरकार और प्रशासन दे ही नहीं सकती क्योंकि वो उस फील्ड के हैं ही नहीं जी। ना तो सरकार उस फील्ड की है, या उनके मंत्री उस फील्ड के हैं, ना आपके जो अधिकारीगण हैं वो उस फील्ड के हैं, प्रशासन उस फील्ड का, उस फील्ड के तो कृषि वैज्ञानिक हैं। हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं वो व्यवस्था नहीं बना पाए, वो व्यवस्था बना ही नहीं पाए। तो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, इतनी सी चीज़ नहीं समझ पाए कि जो हर लड़का जो कृषि से पढ़ के ग्रेजुएट भी निकले वो भी बता देगा, उनसे पूछते ही नहीं, वो तो अपने वहाँ बैठ के करते हैं। अरे भाई तुम क्या करोगे जब मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, आप मुझसे कह लिए इसका लीवर निकाल दीजिए, बदल दीजिए, तो मैं कहाँ से, मैं जानता ही नहीं जब मेडिकल साइंस को, अपना इलाज डॉक्टर के पास जाके कराता हूँ। इस तरह कृषि मृतक खेती कहलाती है ये जो हो रही है। गेहूं का बीज अभी तो इतने साल में 70 साल में हम किसान के घर तक बीज, अच्छा बीज और पानी, दो चीज़ पहुँचा ही नहीं पाए। और रेट क्या होनी चाहिए, तो रेट ये बैठ के तय कर लेते हैं, अरे ये तो यूनिवर्सिटियाँ तय करेंगी, कृषि वैज्ञानिक तय करेंगे और किसान बैठ के तय करेंगे कि ऐसी ये फसल हो रही है तो ये कितना पैसा देगी और कितना इसमें खर्चा हो गया, तो ये वहीं कर लेते हैं। जिनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जिनको करना चाहिए वो नहीं करते। इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होता है, उसमें पढ़े लिखे लोग, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब रखे जाते हैं, तो उनकी बुद्धि का, उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये करते ही नहीं। तो जो चीज़ होनी चाहिए वही नहीं हो रही, तो आगे क्या देखा जाए। तो हज़ारों करोड़ रुपए इतने दे दिए, उतने दे दिए, पानी के लिए इतना दे दिया, ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन में
30% पानी लगता है इसमें। ये 4 एकड़ ज़मीन है, इसमें एक 30 मिनट ट्यूबवेल चलता है कुल, और ये तैयार हो जाती है। रोज़ 30 मिनट चला दिया, याड़ों में वो भी 20 मिनट। इसी से खाद लग जाती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी में घोल के इसी से लग जाता है सब में। तो एक ये और एक ये कि पूरा ट्यूबवेल खोला हो, इसमें 2 दिन में पानी भरा गया और पानी कितना वेस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे तरक्की थोड़ी होगी जो कर रहे हैं, और बड़ी आसान साधारण चीज़ें हैं। बड़े लंबे समय से भारत के किसानों के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने की मांग किसानों के माध्यम से की जाती रही है, इसके विषय में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या चीज़ है ऐसी खास? स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि जो किसान की जो लागत है उस लागत का 1.5 गुना ज़्यादा मूल्य उसको मिलना चाहिए, और जो नहीं मिल पा रहा है उसमें जो उनका खेती का जो उनकी जमीन लगी हुई है उसको भी एक मानक के रूप में उसका भी कहीं ना कहीं उसका कैपिटल, हाँ कैपिटल क्या मिलना चाहिए, जो उसमें जितने लोग लगे हैं, जो परिवार के जितने सदस्य उसमें लगे हैं, उन सदस्यों की भी कहीं ना कहीं उसमें जो आय है वो उसमें ऐड कर दी, ये सब चीज़ें स्वामीनाथन रिपोर्ट में हैं। तो पहली चीज़ तो ये है सुनिश्चित करना कि जो किसान की खेती हो रही है जी, क्या वो सही मानकों पर हो रही है या नहीं हो रही जी। वो सही मानकों पर हो ही नहीं रही, और जहाँ हो रही है वहाँ उसका 1.5 गुना दीजिए, आप 2 गुना दीजिए, ये तो बात की बात है। ये वो उसकी हो ही नहीं रही, गन्ने में 1 एकड़ में 500 क्विंटल पैदावार होनी चाहिए, उसकी 250 क्विंटल हो रही है, तो उसको बताने वाला तो चाहिए कोई, और क्या पैसा चाहिए उसको, क्या पैसा चाहिए। ये फील्ड में साइंटिस्ट होगा, वो बताएगा कि ये जो किसान हैं इस क्षेत्र के, इनको इन कामों के लिए इतना रुपया चाहिए। वो जाएगा यूनिवर्सिटी में, जाएगा या मांग जाएगी इसी पे, वो गवर्नमेंट को देगी कितना पैसा दीजिए। आप अपने आप नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं है, एक वो पैसा बांट रहा है सर से मालूम ही नहीं बट रहा है सर, तो वो बताएंगे ना कि अब लगाएगा अगली फसल लगाएगा तो इसमें ये वाली लगेगी। वही इकोनॉमिक्स में मार्केट स्टडी करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे, मार्केट सर्वे करा के बताएंगे कि अगली वर्ष इस कृषि उत्पाद का मूल्य ये रहने की उम्मीद है, इतना इतना लगा है ये रहने की उम्मीद है, तो वो उस कृषक को बताएंगे क्योंकि ये रहने की उम्मीद है और ये रेट सस्ता है आपके खर्चे के मुकाबले, तो इसलिए आप इसे मत बोइए, ये वाली बोइए। दूसरी फसल भी तो बताएंगे वो, और फिर उसको बताएं ऐसे वो, तो फील्ड में कृषक के साथ साइंटिस्ट का सहयोग बहुत आवश्यक है, ये बात। भारत में एक बड़ी संख्या लघु और सीमांत किसानों की है, और यही तबका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पीड़ित है। इस तबके का किस तरह से आर्थिक उद्धार हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तबके का आर्थिक उद्धार केवल इसी वजह से हो सकता है कि जानकार कृषक, जानकार वैज्ञानिक उसके खेत में जाएं और उसको खेती कराकर बताएं। तो जाने के लिए आपको कृषि वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, अगर कम है तो उनकी भर्ती करिए, और वो जानकार हैं तो वो जाएंगे और वहाँ देखेंगे, उनके जाने का रहने का वो इंतज़ाम हो जाएगा उसी प्रकार से, तब बढ़ेगा। उसमें जो खर्चा होगा वो होगा सरकार का, 1000 करोड़ किस लिए दे रहे हो ये कुछ नहीं मालूम, कि उसको आधे दाम पे बीज दे रहे हैं। अरे बीज लगता ही कितना है, ये मक्का में कितना बीज लगा भाई, इसमें ऐसे लगा होगा 18-20 किलो, 18-20 किलो बीज लगा 4 एकड़ मक्का में। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा समय समय पर कर्ज माफी का भी व्यवस्था की जाती रही है, उस कर्ज माफी की व्यवस्था के बावजूद भी किसानों की जो दशा नहीं सुधरी है उसमें कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वो जो उनको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से खेती की जानी चाहिए, वो जानकारी का किसानों में अभाव है। बिल्कुल अभाव है, बताने वाला कोई नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। कर्ज आपने माफ़ कर दिया 1000 करोड़ का, और उधर बता दिया अब आपको हर बैंक इस दर पर
कर्ज देगा, ये आपका किसान कार्ड है, अब वो फिर कर्ज लेने लगा और फिर आप माफ़ कर दीजिएगा। ये थोड़ा ये बताइए कि तुम ये कर रहे हो साहब, एक साल में इसका कर्ज वर्ज सब दूर हो जाएगा और अब ये कर्जदार रहेगा नहीं, तो वो खेती से होगा जब अच्छी खेती करेगा, वो कहीं ना कहीं जानकारी से होगा, सही समझ से होगा, जो सरकार अभी तक देने में कामयाब नहीं हुई है। नहीं, ऐसे किसान हैं बहुत से, आपके संभल में हैं, यहाँ पर संभल ज़िला बन गया है नया, तो वो बड़ी अच्छी खेती करते हैं, जानकार हैं और कर्जा लेते भी हैं, किस लिए कि नया ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, इसलिए लेते हैं। और ज़्यादातर तबका ऐसा है कि वो घर बनाना और ये सब करना तो दूर है, रोटी खाने को नहीं मिल रही उसको, तो वो जभी तो उठेगा जब उसको बताने वाला होगा कोई, वो अपनी समस्या बताएगा, साहब मैं कहाँ से करूँ, मेरे हाथ में तो पैसा भी नहीं है, मैं ये करूँ वो करूँ। अच्छा भाई जोत तो करा लोगे, साहब मैं किस चीज़ से कराऊँ, मेरे पास बैल भी नहीं है, तो व्यवस्था करी उन्होंने कहा भाई ये इसकी जोत कर दो, कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने साहब इसमें इतने 500 रुपये 800 रुपये लगेंगे जोत करने में, तो उनका चलो जोत किराए के ट्रैक्टर से उन्होंने जोत करा दी, वो साइंटिस्ट जो खड़े हैं, बीज दे दिया अपने पास से, मतलब सरकार से, वो बीज लाओ भाई, तो बीज उनके हाथ में वहाँ दिया, बोलो तुम ये बीज डाल दो इसमें, और उसके बाद उसकी फसल हो गई, जो गाय वाय का उसका गोबर था वो उसमें डाल दिया, इस तरह से चलता, फसल हो गई तो उस पर वो पैसा आ गया बिना कर्जे के, इस तरह से होगा तब होगा। तो जब फील्ड में जाएगा कृषि का वैज्ञानिक तब होगा, वो पढ़ा लिखा भी होगा, वो सरकारी अफसरों के मुकाबले जोड़ भी ठीक लेगा कि इसे इतना खर्चा चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बता दूंगा कि भाई मक्का लगी है तो इसमें खर्चा कितना होगा तुम्हारा, ये बोले इसमें वो कीड़ा लग रहा है, तो कीड़ा लग रहा है, सूढ़ी लग रही है, तो मैंने स्प्रे कर दो, स्प्रे है, मैं वही बता रहा था कि भाई स्प्रे करिए आप जल्दी से, और कोई बात नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसके लिए इसका जानकार होना चाहिए, जानकार होना बहुत ज़रूरी है, और जानकार अपने देश में हैं जी जी, और नए लड़के ऐसे घूम रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं, उनको आप भर्ती करिए, उनकी तनख्वाह वहाँ लगाइए हज़ारों करोड़ की जगह, जब आप किसी यूनिवर्सिटी से कहते हैं ये करो तो कहते हैं सर हमारे पास तो है ही नहीं, तो भाई कितने चाहिए आपको, उनका हमें कम से कम 500 लेक्चरर चाहिए या फील्ड साइंटिस्ट चाहिए, तो उनका आप भर्ती करिए, उनकी तनख्वाह वो हम देंगे, उनका बजट बढ़ा दीजिए, वो फील्ड में आ जाएंगे, देर का काम थोड़ा ही है कोई, तो पैसा वहाँ दे रहे हो कहाँ जा रहा है क्या है, उससे कोई फायदा थोड़ा ही है। खासकर जो लघु और सीमांत में आते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कम खर्चे पर जो उनका जो खेती है उसको कौन कौन सी प्रजाति का, कौन कौन सी खेती का वो इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो आर्थिक हालात हैं वो आर्थिक हालात सुधरें, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उसमें फसलें हैं, जैसे कि मैं उदाहरण एक दो दे दूं, वैसे हैं तो कई, जैसे कि अक्टूबर के महीने में सितंबर अक्टूबर नवंबर आप लाई की फसल बो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में लाई की फसल, हाँ अक्टूबर लाई की फसल, जिससे कि तेल निकलता है, तेलहन हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है कि खेत जोतना है, खेत जोत के अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आपका जो घर का गोबर वोबर का खाद है वो सब तो डालिएगा, आप लाई बखेर दीजिए, पटेला मार दीजिए, उसकी क्यारी बना दीजिए, उसके बाद उसमें पानी देते रहिए, आपने क्योंकि पूरी खाद नहीं डाली है तो आपकी कुछ पैदावार हो सकता है या कम हो जाए, कुछ ज़रूरी नहीं है, उसके बाद वो लाई को काट के निकाल लीजिए, तो आपने खर्ची फसल हो जाएगी और वो आ जाए। उसके बाद इसी में मैं बताऊँ, जब आप लाई काट लें तो आप लोबिया बो दीजिए, लोबिया की ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसकी हरी फली मार्केट में बेच दीजिए, अगर आप नहीं कर सकते, घर के ज़्यादा आदमी नहीं है, नहीं तोड़ सकते, तो लोबिया को पका के बेच लीजिए, निखर्ची कहती हुई खर्चा नहीं लगेगा, लोबिया से ग्रीन मैन्योरिंग हो जाएगी, इसी तरह से और बहुत सी फसल, यही मक्का है, मक्का डाल दी तो उसमें हमारा खर्चा क्या होगा, जो एक आध स्प्रे करेंगे ये
उसके बाद तो भुट्टा ही तो टूटेगा इसका, या पका के टूटेगा या कच्चा बिकेगा, तो कच्चा भी बेच लेगा वो, तो पैसे की जरूरत। इस तरह अनेकों फसलें हैं। इस समय बाबूजी आप कौन कौन सी खेती इस समय कर रहे हैं? मैं एक तो ये शुरू की है, मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। स्ट्रॉबेरी ये जो सामने जो है, ये इतना ही बड़ा पेड़ होता है इसका, स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी इसके साइड में आपने क्या ये लगा रखा? ये लगा, ये मक्का का बीज भी लगा दिया। अच्छा, साइड में मक्का लगा हुआ है। तो क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो आनी नहीं है, ये पेड़ तो हटाए जाएंगे, मगर इसमें ये काली वाली पॉलीशीट की मल्चिंग हुई हुई है, मल्चिंग कहलाती है, मैंने ढक दिया बीच में पेड़ निकाल रहा है। जी जी। तो इसमें घास कहाँ होगी, घास तो दब गई। जी जी। तो मक्का में नलाई बच गई हमारी। जी जी। और इसमें ड्रिप इरिगेशन दिया हुआ, ये पाइप ड्रिप के पड़े हुए हैं दो, तो वहाँ से ट्यूबवेल से हम 25-30 मिनट को खोल देते हैं, सब में पानी लग जाता है, और खाद भी उसी से दे देते हैं, सोल्यूबल फर्टिलाइजर। जी जी जी। बाल्टी में पानी लगा। तो ये देखिए मक्का अच्छी खासी हो रही है, एक सार जमी है, अब इसमें 60 दिन में भुट्टा आ जाएगा। अब हमें अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो हम कच्चा भुट्टा बेच देंगे मंडी में ले जाके, और नहीं तो इसको पका लेंगे। इस विधि के द्वारा पर एकड़ किसान कितनी लागत और उसकी कितनी बचत हो सकती है? तो बीज की लागत है, इसमें नलाई तो है ही नहीं जी, खुरपी से नलाई तो है ही नहीं, ना वो बैठेगा, ना उसके घर वाले बैठेंगे, ना लेबर बैठेंगे, और फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, वो भी हाथ से फेंकना नहीं पड़ता यूँ, वो वहाँ वो रखा है, देखिए नीला ड्रम एक छोटा सा, उसमें घोल देते हैं, तो वो अपने आप खींच लेता है पानी, ये पूरे सिस्टम में वो फर्टिलाइज़र आ जाता है, तो उसमें भी कोई ख़र्चा नहीं लगेगा। खाली एक एक किलो की बैग्स आते हैं सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के, वो आप ला के इसमें डाल दीजिए, जो जिसकी आवश्यकता है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की। मक्का के भुट्टे तोड़ने में जो खर्चा होगा वो होगा, वो घर वाले खुद तोड़ने लगते या हमें लेबर लगानी पड़ेगी। अब ये मक्का हमें पैसा दे देगी, मक्का पैसा दे देगी ना, किसान की आर्थिक हालत की बात। ये 3 एकड़ ज़मीन है ये। अब 3 एकड़ में आप इसको आधा एकड़ का फील्ड मान लो, कोई 2-1 एकड़ का मान। आज के कार्यक्रम भारत के किसान में पद्मश्री से सम्मानित किसान सुशील साय जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने हमें बताया कि सरकार को किसानों को जागरूक करने के लिए अलग से प्लान चलाना चाहिए, जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तब तक उसकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं किया जा सकता। तो इस कार्यक्रम के द्वारा, दर्शकों के द्वारा, हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वो भारत के किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई प्रैक्टिकल कार्यक्रम आयोजित करे। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे दीजिए इजाज़त, आगे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी अन्य विषय पर किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।